Thank you.
दोनों टीम के प्लेयर अब अपने डगआउट में रहे। कप्तान टॉस के लिए आ रहेंगे। यहाँ पर टॉस फेंका है। एसटीआई चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।
अभी कुछ ही क्षणों में सारे प्रेक्षकों से विनंती है कि अपने कुर्सी की सीटी बांध ले। Восьмой этаж.
एसटीआई के 12th मैन और एसटीआई के 12th मैन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। ये आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला चामोर्शी 11 वर्सेस एसटीआई चैलेंजर्स। और इसी बीच एसटीआई चैलेंजर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। यकीनन कल हल्की बूंदाबांदी हुई थी और पिच में थोड़ी सी नमी है, शायद बल्लेबाजों को इसका भरपूर फायदा मिल सकता है या फिर गेंदबाजों को। यकीनन ये काफ़ी बड़ा मुकाबला, इस मुकाबले के दोनों जाने माने अंपायर है पूनम भाऊ और आशुतोष भाऊ, दोनों काफ़ी अच्छे अंपायरिंग की एक्सपीरियंस अंपायर है। इसी बीच पहली गेंद ये पहली फुल टॉस भरी गेंद थी, कट लग गया है और अब अपना खाता 4 रन से खोला है यहाँ पे। ये काफी अच्छी शुरुआत यहाँ पे चामोर्शी 11 के लिए, पहली गेंद पे उनको 4 रन मिले हैं और इसी बीच ओम की अगली गेंद, ये काफी अच्छा गेंद, बैट्समैन समझ नहीं पाए और ये डॉट बॉल। ये ओम की फुल टॉस भरी गेंद थी, कवर्स के क्षेत्र में ऊपर से उठाकर खेल लिया है और यकीनन ये 4 रन। ये था चेतन एंटरप्राइजेस 4 रन, काफी अच्छा 4 रन खेला है वहां पे। इसी बीच एक और चौका इस ओवर में, 2 चौके 1 डॉट गेंद और इसी बीच अगला बॉल और बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पे 8 रन चामोर्शी टीम के। ये अंपायर का इशारा वाइड बॉल, ये यकीनन यहाँ पे बॉलर थोड़े प्रेशर में आते हुए क्योंकि 2 लगातार उनको चौके मिल गए, थोड़ी लाइन लेंथ उनको सुधारनी होगी ताकि विकेट मिल जाए। इसी बीच ओम की अगली गेंद, ये पटकी हुई गेंद उठाकर सामने खेलना चाहते थे लेकिन ये पेस भरी गेंद थी, तेज गेंद थी और बैट्समैन समझ नहीं पाए और इसी बीच डॉट बॉल। योम की ओवर पिच गेंद, ये सामने हल्का सा खेल लिया है और 1 रन के लिए भाग गए और 1 रन में संतुष्ट रहना पड़ेगा। इसी बीच ये काफी अच्छा उठा के खेल लिया है, देखते कैच बन पा रहा थे नहीं लेकिन ये कैच ड्रॉप थोड़ा मिस जज होते और रनआउट का चांस। और ये काफी अच्छी रनिंग, थोड़ा सा कसा हुआ थ्रो हो सकता था तो इसी बीच एक ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर चामोर्शी 11 का 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
इसी बीच एसटीआई के अगले बॉलर जो सेकंड ओवर डालने वाले हैं कुंदन, ये अपना रनअप लेते हुए काफ़ी अच्छा बॉलिंग एक्शन होगा उसका, और ये काफ़ी लंबा रनअप, यकीनन काफ़ी तेज गेंद डालते हैं वो। ये दाएं हाथ के तेज गेंदबाज कुंदन, इसी बीच कट खेल लिया है चार रन की, देखते ही गुजरते ही, लेकिन नहीं, ये काफी अच्छा। इसी बीच कुंदन की अगली गेंद हेमंत के लिए, ये खेल लिया है उठाकर फाइन लेग के क्षेत्र में, और ये काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे, देखते हैं कि तीसरा रन हो पाता है नहीं। ये काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और तीन रन भाग के पूरे कर लिए यहाँ पे हेमंत ने। अंपायर ने यहाँ पे चार रन के लिए रिव्यू मांगा है, देखते हैं कि थर्ड अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे फाइंड लेग के फील्डर द्वारा। इसी बीच कुंदन की अगली गेंद नीलेश के लिए, ये फुल टॉस भरी गेंद थी, अच्छा खेल लिया उन्होंने मिड ऑन के क्षेत्र में, और ये यकीनन चार रन, काफी अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पे चेतन ने। अभी तक का काफी अच्छा ओवर बैट्समैन के नजरिए से, तीन रन चार रन। इसी बीच अगली गेंद कुंदन की चेतन के लिए, ये अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे उठाकर, लेकिन बैच के निचले हिस्सों पे लगा और एक रन के लिए संतुष्ट रहना होगा यहाँ पे चेतन को। हमारे साथी कमेंटेटर है रुद्र, काफी अच्छी कमेंट्री करते हैं वो, हमारा साथ देंगे अगली गेंद के लिए। इसी बीच कुंदन की अगली गेंद हेमंत के लिए, पटकी हुई गेंद थी, अच्छा कट खेल लिया, एक रन की, ये रन आउट, खूब छान इथे रन आउट झालेला आहे, खूप उत्कृष्ट फील्डिंग सुरू आहे इथे। एसटीआय चॅलेंजर्स खूप छान फील्डिंग करताना इथे। नेक्स्ट बॅट्समन आलेले आहे श्यामल, काय करतात ते बघू आपण। ये ऊंचे कद के बल्लेबाज श्यामल, देखेंगे कुंदन को कैसे खेलते हैं।
काफ़ी अच्छी शुरुआत मिली यहाँ पे एसटीआई को, एक विकेट के अच्छा उठा के खेल लिया है, देखते कैच बना पाते हैं नहीं, लेकिन ये ड्रॉप हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा एफर्ट उनका, काफ़ी दूर से भाग के आए। और इसी बीच ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर यहाँ पे चामोर्शी इलेवन का 23 रन एक विकेट के नुकसान पर, ये 10 की औसत से खेल रहे लगभग लगभग 11.5 की औसत से खेल रहे लगभग लगभग। इसी बीच अगला ओवर लेके आते हुए ओम, ये कट खेल लिया यहाँ पे, काफी अच्छा एक रन के लिए भाग गए। ये थोड़ा तालमेल बनाना पड़ेगा बैट्समैन को, दोनों बैट्समैन को, ताकि रनआउट से बच पाए। इसी बीच ओम की अगली गेंद, ये काफी अच्छा उठा के खेल लिया कवच के क्षेत्र में, देखते चार रन बना पाते हैं नहीं, और ये बॉलर ये बॉल जीत गया। और ये ओम की अगली गेंद अच्छी थी, लेकिन एक रन के लिए भाग गए यहाँ पे शामल। ये काफी अच्छा गेंद हवा में, लेकिन खूब उत्कृष्ट कैच गेट ले लिया ही थे। खूब उत्कृष्ट फील्डिंग सुरू असताना इथे एसटीआय चॅलेंजर्स कडून आता नवीन बॅट्समन आलेले आहे नागेश, बघूया काय करतात ते आपल्या टीम साठी। इथे खूप उत्कृष्ट बॉलिंग सुरू असताना होम कडून रिवर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न पण बाद झाले हे बॅट्समन। इसी बीच तीन ओवर की समाप्ति के बाद चामोर्शी टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। ये काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे ओम द्वारा,
अपना व्यक्तिगत पहला और पारी का चौथा ओवर लेते हैं। यहाँ पे सुमित, ये उनका लंबा रन आप देखेंगे, ये सुमित की। ये रिवर्स उठा के खेल लिया है, काफी अच्छा शॉट और ये कनेक्ट भी हो गया और अंपायर का इशारा यहाँ पे। काफी अच्छा रिवर्स पे छह मारा है और हमारे साथी कमेंटेटर बादल भाव का आगमन हो गया कमेंट्री बॉक्स में, उनका स्वागत करूंगा। और ये थोड़ी चहलकर्मी और मिसेट यहाँ पे एक रन के लिए भाग गए लेग बाई द्वारा अंपायर का इशारा। काफी अच्छी अंपायरिंग यहाँ पे पूनम भाव द्वारा और आशुतोष गोरले द्वारा, दोनों काफी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त अंपायर है। इसी बीच अगली गेंद, ये स्लोअर भरी गेंद थी, बैट्समैन समझ नहीं पाए और एक रन के लिए भाग गए। और यकीनन ये थोड़ी सी काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, अगर शॉट नहीं लग रहा है तो एक रन लेके अगले बैट्समैन को स्ट्राइक दे रहे हैं। ये थोड़ी गेम को चलाना होगा बल्लेबाजों को और एक अच्छा डिफेंडिंग टोटल खड़ा करना पड़ेगा एसटीआई के खिलाफ। अगली गेंद, ये फुलटस भरी गेंद थी, खेल लिया लेग साइड के क्षेत्र में, ये वन बाउंस फील्डर के हाथ में और ये दो रन का प्रयास लेके न मना कर दिया बैट्समैन ने और एक रन में संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। काफी अच्छे बल्लेबाजी निलेश ओपनर रहे थे। ये स्लोअर भरी गेंद कट खेल लिया है और एक रन के लिए भाग गए। ये काफी सेफ शॉट खेला है एक रन के लिए निलेश ने। इसी एक रन के साथ चामोर्शी टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 40 रने दो विकेट के नुकसान पर। और ये काफ़ी अच्छी गेंद थी लेकिन दिशा से भटके हुए यहाँ पे बॉलर और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। एक अतिरिक्त गेंद उनको डालनी होगी, यकीनन उनको थोड़ा समझना होगा कि बल्लेबाज का कहाँ मारना चाहते थे, उस हिसाब से बॉल डालेंगे। अगली गेंद, ये भटकी हुई गेंद उठाकर खेलना चाहते थे फाइंड लेग के क्षेत्र में और ये डॉट बॉल। अंपायर का इशारा यहाँ पे ओवर समाप्ति की घोषणा हो गई है और चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन दो विकेट के नुकसान पर। चार ओवर के बाद यहाँ पे बैटिंग एंड चेंज होता हुआ, इस बीच पारी का पांचवा ओवर लाएंगे सूरज मडावी। ये काफी ऊंचे कद के एक हट्टे कट्टे गेंदबाज है, काफी तेज बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, काफी लंबा रनअप। रनअप में थोड़ी सी यहाँ पे और करेक्शन करते हुए यहाँ पे रनअप में और ये अच्छी फील्डिंग सजाई है यहाँ पे सूरज ने। एक लॉन्ग ऑन एक लॉन्ग ऑफ यहाँ पे मिड ऑन के क्षेत्र में कट के लिए स्क्वायर कट में खेला है और इसी बीच सूरज की पहली गेंद यहाँ पे
और ये काफी खतरनाक यॉर्कर बाउंसर था, लेकिन अंपायर का इशारा यहाँ पे वाइड, अंपायर का इशारा देखेंगे क्या देंगे अंपायर। यकीनन ये काफी अंपायर का इशारा यहाँ पे नो बॉल, यकीनन ये छठवें माले पे गेंद गई थी टप्पा खाने के बाद। काफी सूझबूझ भरी अंपायरिंग यहाँ पे दोनों अंपायर द्वारा, हमारे पूनम भाऊ और आशुतोष जी गोरले, हमारे साथी कमेंटेटर है मिस्टर बादल। ये फ्री हिट, ये वापस से पटकी हुई गेंद थी और अंपायर का इशारा यहाँ पे वाइड गेंद, ये फ्री हिट कंटिन्यू रहेंगी। ये अंपायर का इशारा यहाँ पे वन बाउंस भी था, वाइड भी दिया है उन्होंने अपनी लाइन लेन ढूंढते हुए। बॉलर पटकी हुई गेंद, बैट्समैन ने समय पर पहले से ही पढ़ लिया था और गली में ढकला है। दो रन से संतुष्ट होना होगा। ये ऊंचे कद के गेंदबाज सूरज, उनको थोड़ी लाइन लेंथ संभालनी पड़ेगी अपने बॉलिंग की। अंपायर थोड़ी सी बातें करते हुए यहाँ पे, सूरज की अगली गेंद यहाँ पे, ये काफी अच्छी गेंद थी, बैट्समैन समझ नहीं पाए, उनको लगा कि बॉल बाउंस होगी, लेकिन आपको मैं ये याद दिला दूं कि कल हल्की बूंदाबांदी हुई थी, इस वजह से पिच में थोड़ी सी नमी है और बाउंस यहाँ पे नहीं मिल रहा है बैट्समैन को जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगेगा बादल भाई कि ये स्कोर कहाँ तक बना पाएंगे ये इस धीमी गति की पिच में? अब तक तो स्कोर अच्छा ठीक ठाक ही चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा। इसी बीच अगली गेंद फिर से पटकी हुई, पढ़ लिया था बैट्समैन ने वन बाउंस, और ये काफी अच्छा फील्डिंग का नजारा। एक रन से ही संतुष्ट होना होगा, वो चाहते थे कि काफी लंबा शॉट मारना चाहते थे। थोड़ी फील्डिंग में सजावट करते हुए यहाँ पे सूरज, सूरज ने अपनी लाइन और लेंथ पकड़ ली है गेंदबाजी में। हल्का सा परिवर्तन फील्ड में, सर्कल के अंदर बुलाया है एक प्लेयर को। इसी बीच अगली गेंद ये अंपायर का इशारा यहाँ पे नो बॉल, थोड़े गेंदबाज को यहाँ पे समझना होगा ये इस ओवर की दूसरी नो बॉल है और एक और फ्री हिट मिलती हुई यहाँ पे बैट्समैन को। काफी अच्छे बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ये वापस से पटकी हुई गेंद थी, समझ नहीं पाया बैट्समैन, कट खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गए पेस की वजह से। इसी बीच यहाँ पे एक और डॉट बॉल, काफी अच्छा कमबैक किया यहाँ पे सूरज ने। अगली गेंद सूरज की, खेलेंगे नागेश, स्लोअर बाउंसर, पढ़ नहीं पाए बैट्समैन।
काफी सूझबूझ भरी अंपायरिंग यहाँ पे लेग अंपायर द्वारा, नाम है उनका पूनम कुमार। इसी बीच अगली गेंद, ये काफी अच्छा रिवर्स खेल लिया है और यकीनन यहाँ पे कैच। ग्राउंडमैन से मैं दरख्वास्त करूंगा कि पानी की कैन वहां पे भेज दे दोनों दोनों डगआउट में, दोनों पवेलियन में, और एक पानी की बोतल भी भेज दीजिए प्लेयर्स के लिए। ये 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन बना लिए यहाँ पे चामोर्शी टीम ने, चामोर्शी 11 ने। काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे दोनों बैट्समैन। इस बीच अगली गेंद यहाँ पे अगला ओवर डालेंगे सौरभ। इस बीच यहाँ पे एक हल्की फुल्की सी गेंद थी, बैट्समैन समझ नहीं पाए, देखेंगे काफी है अच्छी अपील, देखेंगे अंपायर क्या फैसला देते हैं। थर्ड अंपायर दिया यहाँ पे रन आउट का अंपायर द्वारा, यकीनन और ये थर्ड अंपायर का फैसला यहाँ पे आउट। ये एक और सफलता मिली यहाँ पे एसटीआई को। एक काफी अच्छी यहाँ पे थ्रो मारा है और बल्लेबाजों को यहाँ पे पवेलियन में भेजा है। ये साझेदार, ये ओपनिंग साझेदारी ग्रुप में नीलेश बल्लेबाजी कर रहे थे और उनको रनआउट के चलते वापस डगआउट में जाना होगा। काफ़ी अच्छी सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे अपने टीम के लिए, एक एक रन बनाकर टीम को काफ़ी अच्छे स्कोर पे पहुंचाना चाहते थे, लेकिन रनआउट का शिकार बन गए यहाँ पे नीलेश। और इसी बीच अगले बल्लेबाज यहाँ पे विशाल झाड़े, ये काफ़ी छोटे कद के ताकतवर बल्लेबाज है, अपनी टीम के लिए काफी अच्छे रन बटोरते हैं, मैंने देखा है उनको बैटिंग करते हुए, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ये अंपायर का इशारा वाइट बॉल, थोड़ी दिशाहीन गेंद थी यहाँ पे।
मैच में देरी ना करें, अंपायर का इशारा फाइनल रहेगा, फाइनल डिसीजन रहेगा, जल्द से जल्द मैच को शुरू कीजिए। खेल भावना को बनाए रखें यहाँ पे। इस बीच सौरभ की अगली गेंद, ये स्लोअर भरी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, स्लोअर भरी गेंद थी और बैट के ऊपर लगा और एक रन के लिए भाग गए यहाँ पे। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 49 पर 4 विकेट। स्ट्राइक पर है विशाल झाड़े, अगले गेंद डालेंगे सौरव। इसी बीच सौरव की अगली गेंद है, ये उनको काफी अच्छा टाइमिंग मिला था, लेकिन एक रन के लिए भागना चाहते थे। ये अगर ये थ्रो अच्छा होता तो रनआउट का और एक चांस बन सकता था। काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी, स्लोअर गेंद, लोअर फुल टॉस, फ्लिप किया है ऑफ साइड की दिशा में। एक रन से संतुष्ट होना होगा विशाल झाड़े को। इसी के साथ चामुर्शी इलेवन के 50 रन पूरे 4 विकेट के नुकसान पर। ये हल्की फुल्की अपील लेके ना चुस्त फुस्त दुरुस्त अंपायर यहाँ पे हमारे पूनम भाऊ और गोरले जी, गोरले और काका। काफी स्लो और गेंदबाज है सौरभ, अब तक कटर का कोई इस्तेमाल नहीं किया। इसी बीच अगली गेंद फिर से स्लोअर, पढ़ नहीं पाए अरुण, बीट हुए। इसी बीच ओवर, 6 ओवर की समाप्ति पर रन 50 4 विकेट के नुकसान पर। अगले बॉलर है सूरज, अब तक 6 ओवर हो चुके हैं, देखते हैं अनुराग और विशाल बचे हुए 2 ओवरों में क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए, कितने रन जोड़ पाते हैं। सूरज की अगली गेंद, पढ़ लिया था डाउन द ग्राउंड, वो एक रन से ही संतुष्ट होना होगा। अनुराग स्ट्राइक पर, अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, गैप में काफी सूझबूझ के साथ खेला है बाउंड्री की ओर और 4 रन, काफी शानदार। अनुराग
और ये था संतोषपुरी लैंड डेवलपर्स 4 रन। कलाई का इस्तेमाल करके उन्होंने 4 रन प्राप्त किए थे। इसी बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद फिर शॉट पर इस बार वहां पे फील्डर एक रन से ही संतुष्ट होना होगा और उनको अनुराग को अगली गेंद फिर से एक बार रिवर्स स्वीप काफी शानदार रिवर्स स्वीप खेला था पर एक रन से ही संतुष्ट होना होगा विशाल को। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 57 लॉट्स ऑफ 4 विकेट्स। अगली गेंद बहुत शानदार उठा के मारा है वन बाउंस और यहाँ पे फील्डर देखता ये होगा कि कितने रन प्राप्त कर सकते हैं अपनी टीम के लिए और यहाँ पे 2 रन पूरे किए हैं। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल। इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे अनुराग। बहुत पटकी हुई गेंद और यहां पर 1 बाउंस 4 रन। ये था सचिन फर्नीचर वर्क शानदार 4 रन। सचिन फर्नीचर वर्क शानदार 4 रन। ये काफी महंगा साबित हुआ ओवर 13 रन गए इस ओवर में। इसी बीच आखिरी ओवर देखना ये होगा कि दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। अब तक अनुराग और विशाल काफी अच्छे खेल रहे हैं। अगले गेंदबाज सौरव आखिरी ओवर डालने के लिए आए सौरव। बीच यहाँ पे सौरव की आखिरी ओवर की पहली गेंद ये काफी स्लो ओवर गेंद रिवर्स खेल लिया है और यहाँ पे कोई फील्डर नहीं आसानी से 4 रन बटोरे वहां पे चेतन एंटरप्राइजेस 4 रन। काफी अच्छा शॉट यकीनन आखिरी ओवर में। पिछले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी हुई इस ओवर में बल्लेबाज भारी। ये सौरव की अगली गेंद यहाँ पे ये काफी फ्लैटेड भरी गेंद थी और विकेट कीपर के 10 रनों में से निकल गई हल्की सी यहाँ पे मिसफील्ड 2 रन की कोशिश लेकिन मना कर दिया। 1 रन में संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। जी हाँ क्रिकेट अनिश्चितता का गेम है कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये वापस से फ्लाइटर भरी गेंद थी अगर ये फुल टॉस बना सकते थे तो आसानी से 6 रन मार सकते थे लेकिन समझ नहीं पाए
गेंदबाज की यहाँ पे चतुराई भरी गेंद और एक रन में संतुष्ट रहना पड़ेगा बैट्समैन को। ये आखिरी ओवर है, कम से कम उनको 10 रन बटोरने पड़ेंगे। ये वापस से फ्लैटेड भरी गेंद उठा के खेल लिया है मिड ऑन के क्षेत्र में, यहाँ पे कैच का और कैच ड्रॉप हो गया लेकिन काफी दूर से भाग के आए। 2 रन की कोशिश यहाँ पे, रनों का चांस लेकिन काफी अच्छे भागे वहाँ पे दोनों बैट्समैन, 2 रन पूरे किए अपनी टीम के लिए। लेकिन ये कैच हो सकता था, अगर का थोड़ा सा भाग सकते थे तो कैच हो सकता था, लेकिन 2 रन बटोर लिया आसानी से यहाँ पे। इसी बीच अगली गेंद, विशाल अपने व्यक्तिगत 7 गेंदों में 10 रन, अनुराग अपने 13 रन पे, फिर से एक बार उठा के मारने के प्रयास में, जहाँ चाहते थे वहाँ, जहाँ बॉल मारना चाहते थे वहाँ गई नहीं। मात्र बस अब दो बॉल का ही गेम रह गया है, देखना ये होगा बचे हुए गेंदों में क्या कर पाते हैं अनुराग। और यहाँ पर अपील,
शॉट निकालते हुए प्रणय, अगली गेंद हल्के हाथों से फ्लिप किया हुआ, एक रन पूरा और एक रन से ही संतुष्ट ना होगा प्रणय को। कुंदन स्ट्राइक पर,
काफी अच्छी गेंदबाजी की थी यहाँ पे कुंदन ने, देखेंगे कि बल्लेबाजी कैसे करते हैं। यकीनन काफी धुआंधार बल्लेबाज है कुंदन। इसी बीच नागेश की अगली गेंद कुंदन के लिए, राइट हैंडेड बल्लेबाज, ये अच्छी गेंद खेल लिया है लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में और ये चार रन। काफी बेहतरीन शॉट चार रन के लिए। अगली गेंद नागेश की, सामना करेंगे कुंदन, फिर से वही शॉट और इस बार गैप में और ये चार रन। इसी बीच ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और ये पिछला शॉट काफी धुआंधार शॉट था, बेस्ट मोमेंट था और ये था कि दात्रक ब्रदर्स चार रन, काफी अच्छा शॉट खेला था उन्होंने। नागेश के ओवर में मानो जैसे हाइलाइट्स हमें देखने को मिली, काफी बेहतरीन शॉट्स। आप इस एक खूबसूरत मैच को मोबाइल में भी देख सकते हैं लाइव के रूप में यहाँ पे WDZ, काफी अच्छा चैनल यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लाइव WDZ चैनल पे। इसी बीच शामल की अगली गेंद, काफी अच्छा शॉट यहाँ पे प्रणय का चार रन के लिए। आप देख सकते हैं रिप्लाई बड़े स्क्रीन पर, काफी अच्छा बेहतरीन रिवर्स स्वीप चार रन के लिए मारा था प्रणय। इसी बीच अगली गेंद, चहल कर्मी करते हुए गैप में ढकलने की कोशिश थी। यहाँ पे कुंदन सामना करेंगे नागेश का, काफी अच्छा उठा के खेल लिया, देखते कैच बना पाते हैं नहीं, और ये काफी अच्छा आसान कैच बना यहाँ पे। बल्लेबाज पप्पू हल्के हाथ से फ्लिप किया हुआ, एक रन के लिए हल्की सी मिसफील्ड पर एक रन पूरा किया।
विकेट्स बीच प्रणय खेलेंगे नागेश को। ये रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन हाथ पे लगा और एक आसानी से एक रन चुरा लिया यहाँ पे प्रणय ने। अगली गेंद सामना करेंगे पप्पू, उठा के मार दिया है ऑफसाइड पॉइंट की दिशा में और ये कैच हो सकता था पर जज नहीं कर पाया फील्डर। इसी बीच एक रन चुराया है पप्पू ने अपने टीम के लिए। इसी बीच यहाँ पे दो ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर एसटीआई का 21 रन लॉस ऑफ वन विकेट। एसआर इंटरप्राइजेस, ये खचाखच भरा स्टेडियम हमारा Kings, जिसे मिनी ईडन गार्डन्स के नाम से जाना जाता है। टीपॉट का स्टेडियम 10 लाख की कैपेसिटी यहाँ पे। जनरल स्टोर्स मीत इंटीरियर ब्रदर्स, मस्त औषधि, सगळ्यात स्वस्त आणि मस्त औषधे मिळते यहाँ वेल मेड मेडिकल। नागेश अपना दूसरा ओवर डालते हुए सामना करेंगे पप्पू और इसी बीच आउट। ये काफी अच्छी गेंद नागेश की, थोड़ी तीसरे चौथे स्टंप पे ऑफ साइड के स्टंप पे फेंका और कट लग के विकेट कीपर के दस्तानों में आसानी कैच। सब खेल समझकर खेलते हैं क्रिकेट, खिलाड़ियों की धड़कन रुक से जाती है जब गिरता है कोई एसटीआई के अपनों का विकेट। काफी बेहतरीन स्ट्रेट खेला हुआ, एक रन से संतुष्ट होना होगा। ये ऐसा शॉट है कि कोई जवाब नहीं यहाँ पे गेंदबाज को, बेशक है कि लाजवाब शॉट था। सचिन तेंदुलकर की याद दिलाते स्ट्रेट ड्राइव, काफी खेलते वो और यकीनन फैन भी लगते उनके। इसी बीच अगली गेंद नागेश की, नागेश का पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, 13 रन उन्होंने दिए थे पर इस ओवर की पहले ही गेंद में उन्होंने विकेट प्राप्त की है। काफी अच्छा फ्लिक किया है और ये 4 रन।
हल्की सी चहलकर्मी करके उन्होंने चार रन प्राप्त किए। इसी बीच अगला गेंद फुल टॉस बॉल लेग साइड की दिशा में, वहां पर कोई प्लेयर मौजूद नहीं और चार रन। ये था वेलमेंट मेडिकल, चार रन, काफी अच्छा चार रन खेला वहां पे चहलकर्मी करके, और ये फुल टॉस भरी गेंद थी, दिशा ही दिखाई और चार रन अपनी टीम में आज जोड़ दिया है यहाँ पे। बैट्समैन ने पहले ही समझ लिया था कि वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, उसी का फायदा उठाया है और चार रन प्राप्त किए हैं अपने टीम के लिए। ये एसटीआई के बल्लेबाज धीरे धीरे ये बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, चार छह दो सिंगल के रूप में। ये रिवर्स खेल लिया है बॉल हवा में, देखते हैं कैच बना पाते हैं नहीं, और ये कैच छूट गया है, काफी आसान कैच था, ये रनआउट का चांस और विकेट कीपर के दस्तानों में से बॉल निकल गई और ये दो रन भी पूरे किए, कैच भी ड्रॉप हुआ, काफी खराब फील्डिंग यहाँ पे चामोर्शी के फील्डर द्वारा, और अगर ये कैच बना पाते थे लेग तो यकीनन मैच में वापस आ सकते थे, लेकिन अभी भी कोई देर हुई नहीं है। प्रणय काफी घातक बल्लेबाज है, उन्हें एक जीवनदान मिला है, देखते हैं वो अभी अपनी टीम के लिए कितने रन और जोड़ पाते हैं। इसी बीच अगला गेंद, फिर से वही बॉल, फिर से वही शॉट पर, इस बार काफी अच्छा कनेक्ट किया है और यहाँ पे सिक्स रन। ये थी अपनी दुकान छह रन, काफी अच्छा शॉट खेला वहां पे रिवर्स वे पर, अपनी दुकान छह रन। बेशक काफी बेहतरीन शॉट और बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया था, काफी रन एक कैच छूटने के बाद घातक साबित होते हुए 11 बॉल में 27 रन। प्रणय काफी बेहतरीन खेलते हुए 38 रन, लॉट्स ऑफ टू विकेट थ्री ओवर के बाद। ये शामल काफी अच्छी गेंदबाजी की, यानी शामल ने, सामना करेंगे साहिल। ये फुल टॉस भरी गेंद खेल लिया है लेग साइड के क्षेत्र में एक रन के लिए। घातक गेंदबाज स्ट्राइक पर प्रणय, मात्र 11 गेंदों में 27 रन ठोक चुके हैं अपने टीम के लिए। 29 गेंदों में 34 रन की जरूरत है यहाँ पे। शामल की अगली गेंद, सामना करेंगे घातक गेंदबाज प्रणय। काफी अच्छी गेंद थी यहाँ पे शामल की, रिवर्स खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गए वहां पे। ये एक और डॉट बॉल मिलता हुआ शामल को, ये काफी लंबा रन अब शामल का, ये ग्लांस कर दिया है, कट खेल लिया है और एक रन आराम से चुरा लिया यहाँ पे। सत्ताईस गेंदों में 33 रन की जरूरत है यहाँ पे एसटीआई चैलेंजर्स को जीतने के लिए। इसी बीच शामल की अगली गेंद, ये पटकी हुई गेंद और दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, काफी अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे आशुतोष जी गोरले, साथ देंगे उनका पूनम कुमार वंजारी, काफी अच्छी अंपायरिंग यहाँ पे दोनों अंपायर द्वारा। इसी बीच शामल की अगली गेंद, अगली गेंद पहले से ही पढ़ लिया था और यहाँ पर
सिक्स रन। ये था संतोष पुरी लैंड डेवलपर, 6 रन उनके बैनर को लगा है संतोष पुरी लैंड डेवलपर 6 रन। इस गेंद के पहले काफी अच्छा ओवर जा रहा था, एक जोश सा भर दिया है एसटीआई चैलेंजर्स के संग में सिक्स मारकर साहिल ने। इसी बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद 1 रन के लिए, देखते हैं वो 2 रन सिंगल को डबल बना पाते हैं और यहाँ पर रन आउट का चांस बस, और 2 रन पूरे करते हुए साहिल अपने 4 गेंदों में 10 रन और उनका साथ दे रहे प्रणय, 13 गेंदों में 28 रन बनाए उन्होंने। इसी बीच अगली गेंद शामिल की, ये फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड 1 रन के लिए, काफी अच्छा थ्रो वहां पे, 1 रन में संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। ये 4 ओवर की समाप्ति के बाद एसटीआई चैलेंजर्स का बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन पूरे कर दिए टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर। चौबीस बॉल में मात्र 23 रनों की आवश्यकता एसटीआई चैलेंजर्स को, अब तक काफी शानदार खेला है, 50 रन पूरे किए एसटीआई चैलेंजर्स ने। प्रणय अपने व्यक्तिगत 28 रनों पर 13 बॉल पे और साहिल 5 गेंदों पे 11 रन। चार ओवर के बाद 24 गेंदों में 23 रन की जरूरत है यहाँ पे एसटीआई चैलेंजर्स को। मैं बता देना चाहूंगा कि 4 ओवर के बाद बैटिंग एंड चेंज होता है और बैट्समैन को यकीनन थोड़ा सा यहाँ पे फायदा होगा कि हवा का भी रुख उनकी तरफ होगा। 24 गेंदों में 23 रन। इस बीच 5वां ओवर लेकर आ रहे हैं चौहान, सामना करेंगे साहिल। दोनों भी बल्लेबाज काफी घातक साबित होते हुए, जीवन दान मिला था एक प्रणय को, उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था। हल्का सा पुल किया है 1 रन के लिए साहिल ने, स्ट्राइक पर है प्रणय। चौबीस गेंदों में मात्र 23 रन की जरूरत। चौबीस गेंदों में 23 रन की जरूरत है यहाँ पे एसटीआई चैलेंजर्स को जीतने के लिए। ये था काफी अच्छा शॉट मारा वहां पे मिड ऑन के क्षेत्र में, ये था मीट इंटीरियर्स 4 रन।
प्रणय ने काफी बेहतरीन शॉट मारा था, मिथ इंटीरियर के बैनर पर जाके लगी सीधे गेंद, और इसी बीच एक रचनात्मक शॉट खेलने के चक्कर में आउट। काफी बेहतरीन अंपायरिंग हमारे अंपायर्स द्वारा, बारीक से बारीक गतिविधि पे नजर रखते हैं। रचनात्मक शॉट खेलने के चक्कर में आउट। प्रणय काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे अपने टीम के लिए। साहिल का साथ देने आए हैं सौरभ। इक्कीस गेंदों में मात्र 18 रन की आवश्यकता है एसटीआई चैलेंजर्स को। यहाँ पर दोनों भाई शॉन मार्स और मिचेल मार्स बल्लेबाजी पर, देवाड़ी ब्रदर्स चौहान सर की अगली गेंद, सामना करेंगे सौरभ। एक रन के लिए गैप में ढकला है काफी बेहतरीन सूझबूझ के साथ खेला हुआ शॉट, और यहाँ पर काफी बेहतरीन फील्डिंग हो सकती थी, प्रयास काफी अच्छा था, और ये चार रन। डीजे 20 गेंदों में मात्र 14 रनों की आवश्यकता एसटीआई चैलेंजर्स को, सामना करेंगे सौरभ। बॉलिंग मार पर है चौहान सर, अगली गेंद काफी ज्यादा पटकी हुई, पढ़ लिए थे, और यहां पर वन बाउंस चार रन, ये था लाइट मेटल चार रन। राइट मेटल और मिथ इंटीरियर चार रन। उन्नीस गेंदों पे 10 रनों की आवश्यकता, स्ट्राइक पर सौरभ, एक रन के लिए फ्लिक किया है, देखना ये होगा, और एक ही रन से संतुष्ट। तेरह गेंदों में 9 रन की जरूरत है। ये 18 गेंदों में 9 रन की जरूरत एसटीआई को जीतने के लिए, एक तरफा मैच बना लिया एसटीआई ने। साहिल देवाड़े और सौरभ देवाड़े दोनों बंधु काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। इसी बीच अगली गेंद, ये थोड़ी सी दिशाहीन गेंद और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, और अभी जीतने के लिए केवल 8 रनों की जरूरत। ये उठा के खेल लिया है काफी ऊंची गेंद, देखते कैच बना पाती है नहीं, और ये कैच ड्रॉप, और साथ में ही मैच भी गवा बैठे यहाँ पे। ये काफी अच्छा शॉट था यहाँ पे। ये अगली गेंद, ये वापस से उठा के खेल लिया है, एक और कैच का यहाँ पे दृष्टिकोण दिखता हुआ, और ये काफी अच्छा कैच पकड़ा है, और अंपायर के शरा
आउट। और अगला मैच होने वाला है मॉर्निंग स्टार सीसी वर्सेस ये काफ़ी अच्छा खेल लिया है एक रन के लिए और थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पे जीतने के लिए केवल 6 रन की ज़रूरत 15 गेंदों में। ये काफ़ी अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। एक अतिरिक्त गेंद डालनी पड़ेगी यहाँ पे और जीतने के लिए केवल 5 रन की आवश्यकता। मैं बता देना चाहूँगा कि अगला मैच होने वाला है मॉर्निंग सीसी आर्मोरी वर्सेस स्पर्श हॉस्पिटल। काफ़ी अच्छा मैच है ये। इसी बीच अगली गेंद ये उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल, केवल 4 रन जीतने के लिए। मैं स्पर्श हॉस्पिटल और मॉर्निंग सीसी आर्मोरी के दोनों कप्तानों को टॉस के लिए बुलाना चाहूँगा, जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए कमेंट्री बॉक्स के पास मॉर्निंग सीसी आर्मोरी और स्पर्श हॉस्पिटल। ये उठाकर खेल लिया कवर के क्षेत्र में, देखते काश बना पाते हैं नहीं, लेकिन वन बाउंस फील्डर के हाथ में, 1 रन दौड़ चुके हैं यहाँ पे दोनों बल्लेबाज। जीतने के लिए केवल 3 रनों की आवश्यकता। एक तरफा मैच बना लिया है यहाँ पे एसटीआई चैलेंजर्स की टीम ने। काफ़ी धुरंधर बल्लेबाज दोनों, जीतने के लिए केवल 3 रन की आवश्यकता। इसी बीच अगली गेंद ये फुल लेंथ सूझबूझ भरी के बल्लेबाजी, 1 रन के लिए टहला दिया है और देखेंगे 2 रन ले पाते हैं नहीं, लेकिन 1 रन भी संतुष्ट रहना पड़ेगा बैट्समैन को। ये थोड़ी सी मिसफील्ड लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज यहाँ पे। 1 रन जीतने के लिए केवल 2 रन की ज़रूरत 13 गेंदों में। ये थोड़ी सी चहलकर्मी हेलीकॉप्टर शॉट की नज़ाकत यहाँ पे और 1 रन में भाग 1 रन के लिए भाग गए यहाँ पे सौरव। जीतने के लिए केवल 1 रन की ज़रूरत। मैच यहाँ पे टाई हो गया है, सॉरी मैच यहाँ पे बराबर हो गया है दोनों स्कोर। जीतने के लिए केवल 1 रन और ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जीतने के लिए केवल 1 रन की ज़रूरत। यहाँ पे हमारे साथी कमेंटेटर लकी उराड़े काफ़ी अच्छी कमेंट्री करते, वो यहाँ पे आगमन हो चुका, मैं उनका स्वागत करूँगा। इसी बीच अगला ओवर की फर्स्ट गेंद, ये पटकी हुई गेंद उठा के खेल लिया है और ये मिड इंटीरियर शानदार 6 रन। अगला मैच स्पर्श हॉस्पिटल वर्सेस मॉर्निंग सीसी आर्मोरी। जल्द से जल्द दोनों टीम के कप्तान आ जाए टॉस के लिए।